किस तरीके से आप यूपीएससी की जर्नी के दौरान अपने आप को स्ट्रेस फ्री या फिर एंजाइटी से दूर रख सकते हैं। देखिए, हेलो, वेलकम टू योर आईएएस। माय सेल्फ किरण खरागोटी एंड आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से आप यूपीएससी की जर्नी के दौरान अपने आप को स्ट्रेस फ्री या फिर एंजाइटी से दूर रख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें कुछ मैं पॉइंट्स आपको बता दूं। देखिए, ज़्यादातर बच्चे ये प्रॉब्लम रेज करते हैं कि उनको स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, पता नहीं क्यों इस बात को बहुत ज़्यादा फील करते हैं। देखिए, अगर आप जितना अपने आप को फिजिकली फिट रखेंगे उतना आप इन सब चीज़ों से दूर रहेंगे। उसके लिए आपको योगा करना है, मेडिटेशन करनी है, रनिंग और एक्सरसाइज, ठीक है। इसके बाद आपको जो है अल्कोहल या फिर किसी भी रिक्रिएशनल ड्रग्स से बिल्कुल अवॉइड करना है इनको, क्योंकि ये आपका मेंटल पीस भी हार्म करेगा एज वेल एज आपको डिस्ट्रेक्शन फेस होगी, ठीक है। आपको स्लिप को प्रायोरिटी बनाना है, आपको 8 आवर्स अपने स्लिप को देना है। आप अपना टाइम टेबल उसी अकॉर्डिंग बनाएंगे जिसमें आपके 8 आवर्स स्लिप इंक्लूड है, ठीक है, ताकि आपको स्ट्रेस ना हो और आपको हेडेक ना हो, अदरवाइज आप हेडेक फील करेंगे। एंड हेल्दी फूड्स आपको खाने हैं, क्योंकि बहुत बार हम सुनते हैं कि खाना ही, मतलब आप खाने को ही इग्नोर कर देते हैं, तो ऐसा भी नहीं करना। आपको हेल्दी फूड खाने हैं क्योंकि वो माइंड और हेल्थ में आपका डायरेक्टली इम्पेक्ट करेगा। एंड आइडेंटिफाई कर रहे हैं ट्रिगर्स, क्योंकि बहुत से बच्चों को पता ही नहीं चलता कि एग्जैक्टली हमें हो क्या रहा है, किस बात से डर लग रहा है बेसिकली। तो आपको अपने कॉज को आइडेंटिफाई करना है कि क्यों आप स्ट्रेस फील कर रहे हैं और आपकी एंजाइटी इंक्रीज हो रही है क्यों। और जो भी, अगर आपको ज्यादा एंजाइटी होती है, ऑफकोर्स आप प्रैक्टिशनर के पास जाएंगे, जो भी आपको स्ट्रेटेजीज वो बताते हैं किस तरीके से करना है उसको प्रैक्टिस कीजिए। एंड अपने सिचुएशन को, जो भी आपके एंजाइटी फीलिंग है, उसके साथ डील कीजिए, ठीक है। सोशलाइज कीजिए खुद को। देखिए, जब भी आपको फील होता है ना कि आपको एंजाइटी हो रही है या स्ट्रेस हो रहा है, तो सबसे सबसे ज्यादा जो फ्रूटफुल वे है इसे ओवरकम करने का, वो है अपने आप को सोशलाइज करो। आपको पढ़ाई से डर लग रहा है, आपको यूपीएससी की जर्नी से डर लग रहा है, आप खुद को सोशलाइज करो। आइसोलेट रहना बिल्कुल गलत है इसमें, ठीक है। आपको आइसोलेट आइसोलेट खुद को बिल्कुल भी नहीं करना। जितना ज्यादा सोशलाइज कर सकोगे आप, अपने जो भी आपका ओपिनियन है किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, उसको आप अपने ग्रुप में डिस्कस कीजिए। उससे आपके पास बेहतर ओपिनियंस आएंगे उसके लिए, और साथ ही आपको जानने को मिलेगा कि सामने वाला क्या सोचता है उसमें। एंड हैंग आउट कीजिए अपनी फैमिलीज और फ्रेंड्स के साथ, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत से बच्चे 12 आवर का टाइम टेबल बना देते हैं या फिर 8 आवर्स का टाइम टेबल भी बना रहे हैं, तो इसी में मत लगे रहिए। अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा पढ़ लिया, नहीं समझ आ रहा किसी भी पॉइंट पर, तो बेहतर है आप एक बार थोड़ा सा हैंग आउट अपना करने जा सकते हैं एंड फिर वापस बैक टू स्टडी। ज्यादा कंसंट्रेशन आपको फील होगा इससे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको सही लगता है और अगर आपको मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप इस नंबर पे 8595390705 पे हमें कॉल कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं info@yoshnais.com पे, ठीक है। थैंक यू।